स्वागत है। और चलिए आज बनाएंगे पकौड़े वाली कढ़ी। तो उसके लिए ये दो तीन प्याज है कटा हुआ और साथ ही एक हरी मिर्च है बारीक बारीक। अब इसमें लीजिए बेसन, थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यह है सरसों तेल, बड़ा छोटा अपने पसंद के हिसाब से पकौड़ी बनाइए। अच्छी तरह से पका लीजिए पकौड़ियों को उलट पलट के। इसी तरह से सभी पकौड़ियों को बना लीजिए जितना भी बनाना हो। अब इसी बर्तन में लीजिए दो चम्मच बेसन, और ये दो से तीन चम्मच दही, इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसको निकाल लीजिए। ता है राई के दाने, जीरा और एक सूखी लाल मिर्च।
हमें दिए 2 चम्मच मिक्स सब्जी मसाला, और ये हल्दी पाउडर, यह गरम मसाला, और यह कश्मीरी लाल मिर्च। ये मसाला फ्राई हो गया है, इसमें ये बेसन का घोल डालिए। इसको उबाल आने तक लगातार चलाते रहिए, और इसमें डालिए अब नमक। और इसमें डालिए पकौड़ी। अब इसको ढक के 5-6 मिनट तक पकने दीजिए। अब ये पकौड़े वाली कढ़ी बनके तैयार है। फ्लेम को कर दीजिए ऑफ। जब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा।